स्टार शूटर मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में इतिहास रच दिया है। मनु ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। पेरिस ओलंपिक में भारत का यह पहला मेडल है। मनु करियर के दूसरे ओलंपिक में पदक जीतने में सफल रही। उन्होंने 221.7 स्कोर के साथ ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा बनाया। वहीं परिवारजनों में पूरा खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। देखिए यह रिपोर्ट। किस तरीके से देखते हैं इतनी बड़ी जीत को? मतलब इतनी खुशी हो रही है, किस तरीके से देखते हो, आगे क्या है, किस तरीके के? मेरी सोसाइटी में सभी लोगों ने मिल करके, हमारा एक छोटा सा थिएटर है वहाँ पे मनु को लाइव देखा है। बट उन्होंने कहा कि आप आ रहे हैं, कि मैं दो दिन से अपने फोन को उठा ही नहीं रही हूँ। मैंने अपना फोन रख रखा साइड में कि मुझे अभी दो दिन बिल्कुल चुप रहना, बात नहीं करनी है किसी से भी, और कोई बुरा ना माने इस चीज का, क्योंकि माँ हूँ मैं, मनु के साथ रही हूँ, तो मैं पल पल को, हर एक पल मनु का मैं जानती हूँ कि मतलब कि मुझे उसके लिए क्या करना है। तो मैं, आप लोगों ने शायद कभी भी मनु के पीछे बैठे मुझे देखा नहीं है। जब भी मनु के मैच होते हैं तो मैं या तो मोबाइल में या मैं अपनी नोटबुक में कुछ ना कुछ लिखने लग जाती हूँ। तो ये मेरा जरिया है मेरी हिम्मत बढ़ाने का। मेरे अंदर जितने भी विचार, कुछ भी भाव आते हैं तो मैं अपनी नोटबुक में पेन पेंसिल से लिखने लग जाती हूँ। तो मेरा थोड़ा अंदर का जो हलचल होती है वो मेरी खत्म हो जाती है इस पेन के माध्यम से जी। तो आज बहुत बड़ा दिन है, तो मेरे जो सोसाइटी के जो मेरा जो सोसाइटी का जो परिवार है, उन्होंने ग्रुप में डाला, फोन साथ में रखा हुआ था, बीच बीच में देख रही थी, तो उन्होंने डाला कि बहुत अच्छा बेटी खेल रही है, सबका आशीर्वाद, सबकी शुभकामनाएं बहुत काम आई। और आज देश और दुनिया सब मनु को देख रही है इस मुकाम पे खड़ा देखकर। तैयारी क्या है बेटी के स्वागत की, किस तरीके की तैयारी है, क्या? अभी तो और मैच बचे हुए भी मनु के, वो करने के बाद में तैयारी मैंने सोच रखी है। मैं कुछ अपना सीक्रेट रखती हूँ, मैं आप लोगों को बताऊंगी नहीं। मैं अपने दिल में कुछ बातें रखती हूँ जो मुझे करनी है अपनी बेटी के लिए। मनु ने कितना संघर्ष किया इस मुकाम पर पहुंचने के लिए? मनु ने अभी जो मेहनत करी है टोक्यो ओलंपिक के बाद में, वो मेहनत एक शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैं। इतनी मेहनत मेरी बेटी ने करी है, मतलब मैं क्या ही बताऊं। मतलब मैं लिखती रहती हूँ, मैं इसमें सब लिखती हूँ कि वो कितनी मेहनत करती है, उसने कितना तप किया है। हम माँ बेटी ने 2018 के बाद में परिवार क्या होता है, माँ बाप क्या होते हैं, भाई बहन क्या होते हैं, कोई रिश्ता मैंने नहीं निभाया अभी से। मेरा सारा परिवार मुझसे नाराज है कि कभी आती नहीं हो। अभी जैसे मेरी माँ की तबीयत खराब है, मुझे शक्ति दो, एक समय, ये समय एक बार चला जाएगा तो मैं सबको मना लूंगी, सबसे मिलने जाऊंगी और सारी चीजें पहले से कर दूंगी मैं। मनु ने जैसे, मनु गांव में स्कूल में थी तब थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगा था, क्योंकि जब एक खुद का स्कूल होता है ना, बच्चा जो अचीव करता है ना, तो पास वाले जैसे गांव में माहौल में ये लगता है कि इनकी खुद की बेटी अपने स्कूल में ही मेडल पे मेडल जीते जा रही है, मेडल पे जीते जा रही है। तो ना मेरे दोनों बच्चे बड़े टेंशन में आ गए थे मेरे अपने स्कूल में, गांव में रहते हुए। मैं घर में, स्कूल में भी उनको मार पड़ती, घर में भी, फिर वो जो माताएं होती है बच्चों की, वो मेरे पास आती थी शिकायत लेके कि आपके बच्चे हमारे बच्चों को मारते हैं, सीट पे बैठने नहीं देते, आपकी बेटी क्लास में आगे बैठती है। मतलब बुलाने इतने आते थे, मैं इतनी परेशान हो गई थी। फिर मैंने अपने पति को बोला, ये बाहर थे, मैंने कहा देखो मैं अपने बच्चों को अब्बाओं में नहीं रखूंगी, अपने स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल में भी रोते हैं, घर पे आके भी रोते हैं, भाई मुझे अपने बच्चों को ये माहौल नहीं देना। मैं स्कूल अपने बच्चों को लेके कहीं बाहर स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ, मैं निकल गई इनको लेके भिवानी। तो मनु का फोर्थ क्लास में एडमिशन हुआ था वहाँ पे। फिर उसके बाद मनु ने स्केटिंग किया, मनु ने इतना अच्छा स्केटिंग किया, इसका बाहर जाने का था तो वहाँ पे कोई लेके नहीं गया। स्कूल में बड़े जो स्कूल वाले होते हैं ना, वो बच्चे के अंदर जो टैलेंट होता है उसको निखारते नहीं है। मैंने देखा है दो तीन स्कूलों में बच्चों को डाल के मैंने देखा, मेरी बेटी के अंदर इतना टैलेंट था, वो कुछ भी कर सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। बट बड़े स्कूलों में बच्चों को नहीं लेके जाते बाहर, उसको स्कूल तक ही रखते हैं। फिर बेटी के अंदर क्रिएटिविटी ज्यादा थी कि उसको कुछ करना, उसको कुछ करना है। फिर हम लोग वापिस भिवानी से मैं दादी शिफ्ट होगी, फिर मैंने कोई और स्कूल देखा, फिर मैंने इंटरनेशनल सहवाग स्कूल देखा, वहां पे मैंने अपने बच्चे का एडमिशन करवाया। दोनों बच्चे बड़े खुश थे, वहां पे सारी चीजें थी, बट करने को कुछ भी नहीं करवाया, मनु को कुछ भी नहीं करवाया। हॉर्स राइडिंग एक दिन हॉर्स से बैठा के खुश कर दिया कि यहाँ पे हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग पूल, बट वही ना बड़े स्कूलों में नहीं करवाते हैं कुछ भी। फिर उसके बाद धीरे 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 मनु ने वहां सहवाग में रहते हुए क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल सब खेला, बट
वो जो मनु के मनु को जो करना था ना, वो मनु का कोई निखार करने वाला मनु को गुरु नहीं मिला था। और मैं वहां पे धीरेन्द्र जी वहां पे प्रिंसिपल थे जब मनु पढ़ते थे, तब मैंने कहा था सर मेरी बेटी के अंदर ना बहुत ज्यादा टैलेंट है, तो प्लीज आप इसके साथ है ना, ये जो चाहे ना प्लीज इसको करने दो। तब मेरे को धीरेन्द्र जी ने बोला था कि मैडम मैंने ना बहुत सारे स्कूलों में काम किया है, तो आप ना मुझे ज्यादा एडवाइस मत दो, मुझे पता है कि मुझे बच्चों के साथ क्या करना। मैं ये कह के आ गई। फिर मैंने नेक्स्ट ईयर अपने बच्चे मेरे बच्चे अपने आप स्कूल को छोड़ के वापिस अपने यूनिवर्सल स्कूल में आ गए वहां, क्योंकि गांव में जो स्कूल होते हैं ना वो बच्चों को कुछ भी करने की स्वतंत्रता देते हैं, वो बच्चे में कोई रोक टोक करते ही नहीं है, जहाँ जाना होता है खेल के लिए लेके जाते हैं, मतलब सारी चीजें करते हैं। वापिस हमारे स्कूल में आ गए, मनु 9th में थी और मेरा बेटा 11th, बता दो हमारे वापिस यूनिवर्सल में ले आई मैं उनको। फिर उसके बाद जब मनु ने कॉमनवेल्थ में मेडल लिया, तो एक छत्र में प्रोग्राम था, जगह में प्रोग्राम था, तो वो धीरेन्द्र जी जो सहवाग स्कूल के प्रिंसिपल थे वो मनु से मिले। मैंने कहा सर ये जो पल आज मनु का कोई सम्मान समारोह था वहाँ पे, तो वहाँ पे मनु को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था, तो स्कूल के बच्चे भी सहवाग स्कूल के बच्चे भी थे, धीरेन्द्र जी भी थे साथ में जो प्रिंसिपल थे वहाँ पे। मैंने कहा सर आज जो ये हो रहा है ना ये आपके नाम से होता, क्योंकि आपने मेरी बेटी की केयर नहीं करी इसलिए वो आज मेरे नाम से हो रहा है। तो उन प्रिंसिपल के पास बोलने को कुछ भी नहीं था। बचपन में क्या बनना चाहिए? बचपन में वो अलग अलग बस क्रिएटिविटी कर रहा था, उसकी ड्राइंग देखो आप, उसका आप उसकी छोटी सी चीजें देखोगे तो बड़ा ही अच्छे से निखारती हर चीज, अपने आप ही सुझाव करती है। ये सुझाव तो पापा ने दिया था, मनु के पापा ने उनको बोला था कि एक बार ना शूटिंग रेंज में जाके, मनु ने तांगथा किया, मनु ने बॉक्सिंग में जैसे नेशनल में गोल्ड मेडल और मेरे बेटे अखिल ने सिल्वर मेडल, ये दोनों साथ में खेलते थे, तो इसमें ना हर जगह फिर पार्सल की एक चीटिंग होती है, तो मनु का मन एक तरह से उठ गया था कि मुझे ऐसा खेल नहीं खेलना जिसमें बच्चे के साथ चीटिंग हो, क्योंकि बच्चे का मनोबल टूट जाता है, चाहे स्कूल हो चाहे कोई खेल हो चाहे कोई सोसाइटी हो, जहाँ पे बच्चे के साथ चीटिंग होगी वो बच्चा वहीं से टूट जाता है। फिर मनु ने सब छोड़ दिया। फिर मनु 10th में हुई तो बोली पापा मैं ऐसा क्या करूं, मेरा मैं ना बैठ नहीं सकती, मुझे खाली नहीं बैठा, मुझे फ्री नहीं बैठा, मुझे कुछ ना कुछ करना, पापा मुझे कुछ ऐसा दो मैं जिससे करूं। तो एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद में हम लोग बैठे थे ऐसे ही ऑफिस में,